वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स की बुक का चैप्टर ट्वेल्थ हिरॉन्स फॉमूला की एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू क्वेश्चन वन और टू और इसका जो एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन है वो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी और हमारे चैप्टर वन टू थ्री फोर फोर थोड़ा सा बचा हुआ है वो कवर्ड है चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव हमारा कवर्ड है और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरी की पूरी बुक आराम से जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे साइंस भी हमने कंप्लीट कर रखी है हमारे चैनल लर्नर भी पर एस एस टी कवर्ड है इंग्लिश और हिंदी भी कवर्ड है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों को बोला गया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल है तो एक ट्रैफिक सिग्नल है ठीक है ट्रैफिक सिग्नल मतलब ट्रैफिक पे जब हम लोग स्ट्रीट लाइट हो जैसे कि मान लीजिए आप लोग मूव कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को ट्रैफिक लाइट दिखती है वहाँ पर एक बोर्ड सा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल हड यानी कि स्कूल है आगे इज एन इकोलेट्रल ट्राइंगल विथ साइट ए तो एक ऐसा करके ट्रायंगुलर सा बोर्ड वहाँ पर पे लगा हुआ है और उसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी सेम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं ठीक है तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड इस सिग्नल बोर्ड का हम लोगों को एरिया बताना है यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला तो हिरॉन्स फार्मूला की हेल्प से हमें क्या करना है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस हमें क्या बता रखा है कि ये जो सिग्नल है जिस पर क्या लिखा हुआ है स्कूल मतलब आगे स्कूल है इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है बट हमें गिवन क्या है हमें गिवन है पेरीमीटर हमें पेरीमीटर गिवन है पेरीमीटर क्या गिवन है कि पेरीमीटर भाई 180 सेंटीमीटर है तो हमें पेरीमीटर गिवन है जो कि है 180 सेंटीमीटर ठीक है और हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों को एरिया निकालना है इस बोर्ड का हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ बोर्ड एरिया ऑफ जो सिग्नल है सिग्नल बोर्ड का एरिया हमें निकालना है हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से तो चलो करते हैं अब हम ये हमारा सोल्यूशन है इससे पहले हमने इस तरीके से बताया कि क्या था अब साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड सिग्नल बोर्ड की एक साइड क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए है पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या है 180 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है अब आप एक बार बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स ठीक है क्योंकि आप नाइन्थ में आ गए हो तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती है सब ऑफ ऑल साइड्स क्या होते हैं पैरीमीटर का फॉर्मूला तो हमें सब ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस ए ठीक है क्या हो जाएगा थ्री ए तो समल साइड्स यानी कि पेरीमीटर पेरीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा थ्री ए पेरीमीटर कितना है वन एटी है अब वन एटी है तो अब ए की वैल्यू निकालने के लिए आप थ्री को इधर भेज दोगे तो ए इजिक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन एटी बाई थ्री यानी कि सिक्सटी तो एक साइड जो है एक साइड ये ए की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया अगर आप एग्जाम में ना लिखना चाहें डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्ट ये भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में आ गए हैं वैसे अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये वाली जो चीज़ है ये आप इससे पहले लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने कैसे निकाली है सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है ये हो गया हमारा अब पैरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारा क्या आ गया थ्री ए था तो ए की साइड क्या आ गई सिक्सटी सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर ऑफ द सिग्नल बोर्ड तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेमी सेमीपेरीमीटर होता है पेरीमीटर मतलब पूरा और सेमी का मतलब हाफ तो ए बाई टू अब हिरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाल देंगे ठीक है तो हिरॉन्स फॉमूला क्या होता है हिरॉन्स फॉर्मूला हमारा होता है ये याद कर लिया होगा अब तक तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये हमारा हिरॉन्स फॉर्मूला होता है तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या यह एस क्या होता है हमारा एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर तो एस हमारा सेमी पेरीमीटर मतलब जो भी पेरीमीटर होता है उसकी क्या होते हैं हाफ ठीक है एस होता है सेमी पेरीमीटर तो एस की वैल्यू क्या निकाली है हमने एस की वैल्यू हमने निकाली है थ्री बाई थ्री ए अपॉइंट टू तो एस की जगह आप रखोगे थ्री ए अपॉइंट टू ठीक है बाहर वाला एस अब इस एस की जगह क्या रखोगे थ्री ए अपॉन टू माइनस ए फिर से एस की जगह अब ए की वैल्यू क्या है बी और सी यहाँ पे ए बी सी यानी ए बी सी क्या होती है साइड्स होती है तो यहाँ पे तो सब ए है तो सब कुछ ए आ जाएगा एस की जगह क्या आ जाएगा थ्री ए बाई टू माइनस ए और फिर से एस की जगह क्या आ जाएगा थ्री ए माइनस टू और माइनस ए यहाँ पर ए क्यों हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू सी ए क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एस क्या होता है एस होता है पेरीमीटर जो भी होता है उसका हाफ पेरीमीटर क्या है इसका थ्री ए है तो थ्री ए का हाफ हो गया ठीक है तो ये चीज़ें हो गई अब देखो यहाँ पर ये यह हमारा फॉर्मूला था अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन है आप तो बस ये थ्री ए है अपॉन टू ठीक है अब ज़रा देखो थ्री ए अपॉन टू माइनस ए क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाऊं कि थ्री ए अपॉन टू माइनस ए क्या हो जाएगा क्योंकि टू जो है वो एल हो जाएगा तो दोनों के नीचे आ जाएगा इधर तो थ्री आ गया अब टू का हमने तो, तो टोटल एल लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए की मल्टीप्लाई टू से होगी तो टू ए हो जाएगा तो थ्री ए माइनस टू ए क्या हो जाएगा ए अपॉन टू आया समझना आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया है देखो बच्चों हम लोग एलसीएम लेते हैं जो हम छोटी क्लासेस से लेते आ रहे हैं तो थ्री अपॉन टू माइनस ए तो एक क्या हो जाएगा थ्री ए दोनों के नीचे टू आ जाएगा माइनस टू ए तो थ्री ए माइनस टू है क्या हो जाएगा ए और अपॉन टू तो ए अपॉन टू हमारा हो जाएगा तो ये आ गया और ये हो जाएगा यहाँ पर ए अपॉन टू ठीक है और ये भी बिल्कुल सेम था थ्री ए अपॉइंट टू माइनस ए था तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी ए अपॉइन टू हो जाएगा और सिमिलरली ये भी क्या था थ्री ए अपॉइंट टू माइनस ए था तो ये भी क्या हो जाएगा ए अपॉइंट टू हो जाएगा एक बार वैसे आप इधर भी करके दिखा सकते हैं जो मैंने आपको रफ में करके दिखाया है वो आप डिपेंड करता है अब क्या करेंगे ये सब क्या है आपस में ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है अब ये सब मल्टीप्लाई में तो नीचे वाले सब एक साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेगा ये बन जाएगा सारे के सारे जो नीचे वाले हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा हमारा टू डूजा फोर फोर टू जो एट और एट टू जो सिक्सटीन तो यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फोर ए हैं तो ए की पावर फोर और थ्री मल्टीप्लाई में है तो हमारा जो आंसर है क्या आया है हमारा अंडर रूट थ्री ए की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन ये आया है तो सिक्सटीन किसका स्क्वायर होता है फोर का तो सिक्सटीन का तो यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रूट थ्री ए की पावर फोर अपॉन फोर अब ए की पावर फोर है तो इसको आप और क्या लिख सकते हो ए की पावर फोर को रूट थ्री तो ऐसे ही रहेगा ए की पावर फोर है तो यानी कि अंडर रूट हटा देंगे तो ए की पावर टू अब जो है अंडर रूट सिर्फ थ्री पे है ये की पावर टू के हाफ हो जाता है ना जो भी होता है तो ये हो जाएगा हमारा इसका जो आंसर आ गया वो रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर आ गया है अब हमें एरिया निकालना है तो अब हमें पता है कि क्या है एक तो हमारे पास ये आ गया और बाकी हमारे पास क्या आए थे सिक्सटी इंटू सिक्सटी आया था तो एरिया हम लोग का क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगुलर बोर्ड हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है हमारे पास सिक्सटी तो यानी कि सिक्सटी इंटू सिक्सटी ठीक है सिक्सटी का ये कहाँ से आया ए की जगह हमने रखा है ये से एक की जगह सिक्सटी रखा है क्योंकि ए की वैल्यू सिक्सटी निकालती सिक्स सिक्स जगह क्या होता है थर्टी सिक्स होता है है ना और तो थर्टी सिक्स और ज़ीरो जीरो और फोर नाइनज़ा क्या होता है फ़ोर नाइनज़ा थर्टी सिक्स है ना और ज़ीरो ज़ीरो तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया क्या आ गया एरिया हम लोगों के पास आ गया है एरिया हमारे पास आ गया है नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया है नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने सिग्नल बोर्ड था उसकी साइड ए थी पैरिमीटर हमें पता था वन एटी वन था तो हमने एक साइड की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू सिक्सटी आ गई वही ए की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर ट्रेंग आ, मतलब फॉर्मूले में रख करके वैल्यू निकाली एरिया की नाइन हंड्रेड रू थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर राइट तो इसमें और क्या क्या था हिरॉन्स फॉमूला लगा दिया ठीक है फिर वैल्यूज पुट करी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट तो एक फ्लाई ओवर है ठीक है फ्लाई ओवर है इस तरीके से ट्राइंगुलर इस तरीके का फ्लाई ओवर है उसकी जो साइड वॉल्स है ना यानी कि इसके जो साइड साइड में होती हैं वॉल्स इसको क्या एड एड्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो फ्लाई ओवर इस तरीके से होगा कुछ देखो इस तरीके का फ्लाई ओवर है हमें बुक में दे रखा है ऐसे ऐसे करके इस तरीके से और ऐसे और ऐसे करके फ्लाई ओवर जा रहा है ठीक है ऐसे करके फ्लाई ओवर बना हुआ है फ्लाई ओवर मतलब सड़क के ऊपर जो सड़क होती है ठीक है फ्लाई ओवर बना हुआ है और इसमें एडवर्टीजमेंट लगाए हुए हैं अब द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 ट्वेंटी टू मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर तो जो साइड्स हैं वॉल की उनकी हमें क्या दे रखा है कि ये देखो सपोज करो ये है एक साइड तो इसकी क्या है 122 मीटर है हम्म। और एक साइड अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ दें एक सेकेंड ही मैंने क्या बना दिया अगर हम लोग ऐसे करके एक साइड ऐसे ऐसे करके जोड़ दें इसकी तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सपोज करो ट्वेंटी टू मीटर हो गया और एक साइड हमारी वन ट्वेंटी मीटर हो जाएगी ठीक है अब द एडवर्टीज़मेंट ईल्ड एंड अर्निंग ऑफ फाइव थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर तो एक वन मीटर स्क्वायर के लिए आप लोगों को कितने मिलेंगे पाँच हजार रुपये मिलेंगे हर साल अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर थ्री मंथ एक कंपनी ने तीन महीने के लिए उसको हायर किया है एक पूरी वॉल को यानी कि इस पूरी की पूरी ऐसे करके इस वॉल को हायर किया है एक कंपनी के लिए एक कंपनी ने थ्री मंथ्स के लिए तीन महीने के लिए एक कंपनी ने इसको हायर किया है इस वॉल को तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा देखो वन मीटर स्क्वायर है पाँच हज़ार रुपये एक साल के लिए बट इस ये कंपनी तो तीन महीने के लिए कर रही है फिर पहले तो हमें क्या करना है पहले तो हमें इसका हिरॉन फॉर्मूला से एरिया निकाल देना है ठीक है एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन फॉर्मूला फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि वन मीटर स्क्वायर था वन मीटर स्क्वायर के लिए इतना था तो जितने भी मीटर स्क्वायर एरिया आएगा पहले उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग ये हमें तो ये पूरे साल का मिलेगा वैल्यू फिर ये तीन महीने के लिए है फिर थ्री इंटू क्या होता है ट्वेल्व होता है यानी कि हम लोगों को उसको फोर से डिवाइड करना पड़ेगा आंसर को जो आएगा देखो अब करते हैं पहले पहले हम लोग ये हमें फ्लाईओवर दे रखा है इस तरीके से ठीक है अब देखो क्या है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है इस ट्राइंगल को हम लोग एबीसी मान लेते हैं ऐसे करके ये ट्राइंगल है ए बी सी सपोज करो ए बी सी ट्राइंगल है एक 122 सेंटीमीटर एक मीटर है एक मीटर और एक मीटर है अब पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स तो इन तीनों का ये तीनों जो है इन तीनों का जब हम सम कर देंगे यानी कि इन तीनों का जब हम ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 122 ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी यानी कि ये आ गया टू सिक्सटी फोर मीटर टू सिक्सटी फोर मीटर हम लोगों का क्या आ गया पेरीमीटर तो पेरीमीटर हमारा टू सिक्सटी फोर आ गया अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है यानी कि जो हिरॉन्स फॉर्मूला में जो एस यूज होता है वो क्या होता है वो होता है पेरीमीटर बाय टू पैरीमीटर हम लोगों ने तीनों को ऐड करके क्या निकाला है टू सिक्सटी फोर निकाला है टू सिक्सटी फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन थर्टी फोर मीटर ठीक है सॉरी वन थर्टी टू मीटर आ जाएगा क्योंकि टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स और टू टू जो फोर तो सेमी पैरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू हमारे पास आ गई वन थर्टी टू मीटर हम लोगों ने क्या किया अभी तक पैरीमीटर हमें गिवन था सॉरी हमें सारी साइड्स की वन थी 122, 22 और 120 हमने क्या किया इन सबको ऐड कर लिया तो पेरीमीटर आ गया एस की वैल्यू होती है पेरीमीटर बाय टू तो यानी कि हमने क्या करा 264 सिक्सटी बाय टू कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 132 मीटर अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे ट्रैंगल में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे जब हम अब देखो एरिया ऑफ ट्राएंगल हिरॉन्स फार्मूला से निकालते हैं तो हिरॉन्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है एस हमारे पास क्या आया है वन थर्टी टू ए हमारे पास क्या है ए आप वन ट्वेंटी टू मान लो बी आप लोग मान लो ट्वेंटी टू और सी आप लोग मान लो वन ट्वेंटी है ना साइड्स तीन गिवन है तो देखो क्या करेंगे अब हम एस की वैल्यू क्या है एस की वैल्यू हमारे पास आई है वन थर्टी टू है ना वन थर्टी टू माइनस ए ए हमने माना है वन हंड्रेड ट्वेंटी टू क्योंकि साइड हमें गिवन है वन थर्टी टू फिर बी हमने माना है ट्वेंटी टू फिर सी हमने क्या माना है सी हमने माना है 120 हमने माना वाना कुछ नहीं है देखो ये हमें गिवन है देखो 122, 22 और 120 और हमने एस निकाला है 132 अब माइनस कर लेते हैं 132 में से 22 जाएंगे तो सिंपल सा क्या बचेगा 10 बचेगा है ना ये जीरो टू से टू कटा जीरो थ्री से टू कटा वन और वन से वन कटा तो जीरो तो यानी कि इन दोनों को हमने माइनस किया 132 से 122 तो 10 आ गया मल्टीप्लाई वन थर्टी टू में से ट्वेंटी टू जाएगा ये तो वन ट्वेंटी टू था ये ट्वेंटी टू है तो क्या बचेगा हंड्रेड राइट सॉरी वन हंड्रेड टेन बचेगा क्योंकि जीरो और वन और वन वन हंड्रेड टेन बचा अब वन थर्टी टू में से वन ट्वेंटी जब आप काटोगे तो बचेगा ट्वेल्व देखो वन थर्टी टू में से वन ट्वेंटी काटोगे तो ट्वेल्व बचेगा है ना ट्वेल्व बचा तो ये हमारे पास आ गया अब क्या करेंगे हम लोग अब इन सबकी मल्टीप्लाई करी जाएगी अभी हो जाएगा वन थर्टी टू इंटू टेन इंटू वन हंड्रेड टेन इंटू ट्वेल्व है ना ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको हटा देती हूँ तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है सब हाँ मल्टीप्लाई है ना अब ये हो गया अब इन सब की मल्टीप्लाई हम लोगों को करनी है अब इन सब की मल्टीप्लाई देखो बच्चों आप लोग खुद कर लेना क्योंकि फिर देखो वन थर्टी टू इंटू ट्वेल्व क्या हो जाएगा टू टू जै फोर थ्री टू जै सिक्स वन टू जै टू फिर कटेगा वन टू जो तो टू वन थ्री जो थ्री वन 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 फोर एट फ़ाइव वन ठीक है मैंने इसकी मल्टीप्लाई ट्वेल्व से कर दी तो अब हमारे पास क्या आ गया वन फाइव एट फोर इन वन हंड्रेड टेन की मल्टीप्लाई टेन से करेंगे वन हंड्रेड टेन और ज़ीरो अब वन फाइव एट फोर वन फाइव एट फोर जो मेरे पास आया है ये देखो वन फाइव एट फोर आ गया अब वन फाइव एट फोर की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे अलेवन से कर देते हैं क्यों क्योंकि जीरो जीरो उसके आगे लगा देंगे अलेवन से करेंगे तो वन फोर ज़ा फोर वन एट ज़ा एट वन फाइव ज़ा फाइव वन वन सेवन वन फोर ज़ा फोर वन एट ज़ा एट वन फाइव फाइव वन वन आ जाएगा फोर एट नाइन टाइन अलेवन ट्वेल्व एट नाइन टाइन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फाइव सिक्स सेवन और वन ये आ गया हमारे पास वन सेवन फोर टू फोर ज़ीरो ज़ीरो ठीक है कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ गया ठीक है अब ज़रा देखो ये क्या होता है ज़ीरो ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि दो जीरो है तो दो का एक ज़ीरो तो हमारे पास हो ही जाना है इसके बाद हमारे पास बचा है वन सेवन फोर टू फोर वन सेवन फोर टू फोर ये हम लोगों के पास बचा है तो देखो ये जो है ना ये आप लोग एक तरीका होता है जो हम लोगों ने एट्थ क्लास में सीखा था कैसे करते हैं स्क्वायर निकालने का तरीका होता है कि भाई ये इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे 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 करके हम लोग बांट देते हैं तो ये हमारा नीचे क्या बचा है नीचे हमारा बचा है वन है ना नीचे वन बचा है तो वन वन जा वन फिर वन से वन कट जाएगा फिर उसके बाद ये सेवेंटी फ़ोर नीचे उतर जाता है सेवेंटी किसका स्क्वायर होता है तो सेवनटी ये हमारे पास वन आ गया अब देखो सेवेंटी फोर किसका किसके स्क्वायर से जस्ट छोटा होता है तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें कर लेते हैं तो ये चीज़ फ़िलहाल यहाँ समझाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी इसका जो आंसर आएगा ना हम लोग के पास आप इसको फाइनली यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि ये जब हम लोगों ने सॉल्व किया ना तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है वन थ्री टू जीरो मीटर स्क्वायर ठीक है वन थ्री टू ज़ीरो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राई एंगल ये चीज़ मैंने ना कैसे करते हैं स्क्वायर वगैरह ये पहले मैंने बता अगर आप लोगों को सीखना है स्क्वायर रूट निकालना तो बता दीजिएगा मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी वैसे मैंने एट्थ क्लास में भी समझाया आपको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये निकलाएगा वन थ्री टू ज़ीरो ठीक है अब हमें क्या बताना है हमें तो रेंट बताना था तो ये हमारा आंसर एरिया आ गया वी नो दैट द रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर ईयर इज दिस मतलब पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का एक साल का रेंट है फाइव थाउजेंड अब एक साल का है तो एक साल में कितने महीने होते हैं बारह बट हमने तो तीन महीने के लिए किया है तो यानी कि तीन महीने का ही तो रेंट देंगे हम लोग तो एक साल में बारह महीने होते हैं राइट तो हम लोग को तो सिर्फ तीन महीने का रेंट देना है तो हम लोग क्या करेंगे रेंट ऑफ वॉल फॉर थ्री मंथ थ्री मंथ का रेंट कैसे निकालेंगे देखो हमारे पास एरिया कितना आया था हमारे पास एरिया इतना आया था वन थ्री टू जीरो आया था इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करोगे किससे फाइव थाउजेंड से, से करोगे राइट right? क्योंकि पांच हजार देना था पर मीटर स्क्वायर का और फिर उसके बाद हम कितने महीने के लिए ले रहे हैं हम तो सिर्फ तीन महीने के लिए ले रहे हैं है ना थ्री से मल्टीप्लाई करो और ट्वेल्व से डिवाइड करो क्यों ट्वेल्व से डिवाइड क्यों किया क्योंकि ये जो रेट था ना ये वाला रेट वाला ये बारह महीने के लिए था बट हमें तीन महीने के लिए चाहिए तो हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ठीक है तो मैंने कहा था ना फोर से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट अब मैंने समझा दिया आपको अब इसको फोर से और ज़्यादा फर्दर जब आप लोग डिवाइड करोगे तो वन थर्टी टू जीरो वन थ्री टू जीरो देखो कटेगा क्या फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व और फोर थ्री ज़रा ट्वेल्व और ज़ीरो तो क्या आ गया थ्री थ्री ज़ीरो और फाइव डबल ट्रिपल जीरो तो इसका आंसर आ जाएगा कितने देने पड़ेंगे उसको वन सिक्स फाइव एक दो तीन चार वन टेन सन्द्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख सोलह लाख रुपए देने पड़ेंगे उस एडवर्टीजमेंट कंपनी को तीन महीने के लिए अपना एड लगाने के लिए तो हमारा आंसर आ गया ये ठीक है ये हमारा आंसर आ गया आ गया समझ आप लोगों को होपफुली आ गया होगा और अगर आप लोगों को रूट्स निकालने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं उसके लिए फिर अलग से वीडियो लेके आऊँगी और आगे के क्वेश्चन भी हम जल्दी ही ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे थैंक यू